आज जैसे कि सावन का दूसरा सोमवार है, लोग आ रहे हैं सुबह 4 बजे से, लोग लाइनों में लगे हुए हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है दक्ष मंदिर की, भोलेनाथ यहाँ से सृष्टि का संचालन करते हैं। एक श्रवण मास में ऐसा राजा दक्ष को उन्होंने वरदान दिया था कि सावन के महीने में सृष्टि का संचालन यहीं से करेंगे। और इस मंदिर की ऐसी मान्यता है दक्ष महादेव की कि दूध, दही, घी, बेलपत्र इत्यादि का अगर अभिषेक भोलेनाथ को किया जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा विश्वास है, भोलेनाथ उनका नाम ही भोले हैं तो भगवान भोले, इनका तो ये भी मान्यता है कि एक लोटा अगर गंगा जल इन पर अर्पित किया जाए तो जो भक्त आ रहे हैं जहाँ जहाँ से, पूरे देश से पूरे लोगों आकर जल अभिषेक कर रहे हैं, तो जल अभिषेक करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कनखल स्थित दक्ष प्रजापति ये शिव शंकर भोलेनाथ जी की ससुराल है, और ऐसा माना जाता है कि एक महीना सावन के महीने में शिव शंकर भगवान जी यहीं पर निवास करते हैं, और यहाँ जल चढ़ाने का बहुत ही पौराणिक महत्व है। यहाँ जल चढ़ाने से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे मान्यता रखी जाती है कि पूरा सावन का महीना शिव शंकर जी यहीं पे ही जो अपनी प्रार्थना है वो पूरी करते हैं, अपनी जो मनोकामनाएं है, हर मनोकामना यहाँ आने से पूर्ण होती है, ये महत्व माना जाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, सदियों से चला आ रहा है, मनोकामनाएं पूरी हुई है जो मानी है। हाँ, बहुत ऐसी तो बहुत मनोकामना है, कभी अपना दिल हल्का करने के लिए कुछ बात हो कुछ दिल में, और यहाँ पे कोई बात करते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि यहाँ से आज तक कोई बात पूरी नहीं हुई। रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है, चतुर्मासा भगवान शिव की इसी श्रावण महीने से प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में भगवान शिव की ही सत्ता रहती है। भगवान शिव ने सतयुग सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी भगवान, तभी भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं और अपने ससुर राजा दक्ष को ये वरदान दिया था कि हे राजा दक्ष, तुम्हारा मस्तक कटने के बाद तुम्हें ये महसूस हुआ कि शिव ही सृष्टि का संचालक है और शिव ही सर्वत्र है, अतः मैं तुम्हारे ही नाम से यहाँ पर जाना जाऊँगा और तुम्हारे इस कटे हुए धड़ के रूप में ही विराजमान रहूँगा। तो भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में नहीं, कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है। जैसे गर्दन कटने के बाद आकृति जिस प्रकार की हो जाती है, वैसे ही रूप में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि भगवान शिव ने ये भी वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में सती की कमी को पूरा करने के लिए मैं कनखल में ही निवास करूंगा, तो भगवान श्रावण के महीने में इसी जगह पर कनखल में ही निवास करते हैं, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहते हैं जो मनोकामना मांगते हैं वो भी पूरी होती है इस दौरान, क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पे गंगा जल धारण करते हैं और चंद्रमा भी उनके मस्तक पे विराजमान है, इसलिए चंद्र अर्थात सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर गंगा जल के द्वारा किए गए अभिषेक से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस भाव से लोग दूर दूर से भगवान शिव के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने और भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते हैं।